नगर सेवकों ने राष्ट्रवादी पार्टी में प्रवेश किया है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आज कुछ नहीं है, दो MIM के नगर सेवक है और ये तीन कांग्रेस के नगर सेवक, ऐसे पांच लोगों का ये तीनों कारपोरेटर हमारे कलीमपुरी साहब के घर के, ये तीनों भी उनके समय, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पहले से भी दोस्त और साथी है। ये लोग नेतृत्व को जानने और पसंद करने वाले लोग हैं। पिछले 4-5 सालों से बेचैनी के अंदर में मुब्तला थे। इन लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, जिसमें अब्दुल मतीन है, इसको दोबारा टेक्निकल झूठे केसेस में फंसा के अंदर डालने का काम इसलिए की गया कि एक अच्छा नौजवान, अच्छा नेतृत्व करने वाला नौजवान है, उनको उसकी मकबूलियत पसंद नहीं आ रही थी और उनको ऐसा लगता था कि एक बड़ा नेता बन सकता है। हम लोगों की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छे काम करने वाले को, मजबूत नेतृत्व करने वाले को उठाने का काम करती है, उसको दबाने का काम नहीं करती है। इसलिए कि अच्छा नेतृत्व करने वाला समाज का अच्छा कर सकता है, भला कर सकता है, ये कैपेसिटी अब्दुल मतीन के अंदर में है। और ये जफर खान जो है, शेख जफर जो है, ये जो है अपने इलाके में एक अच्छा नौजवानों में काम करने वाला नेतृत्व है, इसको भी दबाया जा रहा है। तो वो पार्टी जो अपने लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती है, तो आम लोगों को क्या इंसाफ दे सकती है? इस भूमिका से उन्होंने देखा कि मेरे से बात की कि मौलाना, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, राष्ट्रवादी के साथ काम करना चाहते हैं, इसके लिए हम आपके साथ प्रवेश करना चाहते हैं। हमने भी वेलकम। रही बात कलीम भाई की, कलीम भाई हमारा बहुत पुराने हम साथी है, हम साथ में काम किए 15-20 साल से, हम लोग साथ में काम कर रहे, हमारा उनका भाई का रिश्ता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में काम करते थे। पिछले दिनों में युति के अंदर में उनको टिकट दिया गया पूर्व से, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनके मुखालिफत में एक दूसरा आदमी खड़ा कर दिया युति होते हुए भी। तो कहीं ना कहीं आदमी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, और फिर राष्ट्रवादी के पार्टी की तरफ वो देखते हैं कि राष्ट्रवादी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नगर सेवकों के साथ, अपने पदाधिकारी के साथ इंसाफ करती है, तो उनको कहीं ना कहीं एहसास हो गया कि भाई ऐसे नेता और ऐसी पार्टी, उन्हीं के साथ हमने काम करना चाहिए। ऐसी भूमिका से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की और कहा खुद ही से कि मौलाना, हमको आपके साथ काम करने का है, राष्ट्रवादी के साथ काम करने का है, इसलिए हमने आपको गुजारिश किए। तो हमारा कल मशवरा हुआ, हमारे अध्यक्ष से मैंने बात की हूँ, हमारे मध्य के अध्यक्ष से बात की हूँ, हमारे कार्य अध्यक्ष से बात किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है और ये लोग आना चाहते हैं। फिर हम लोगों ने मीटिंग की, हमारा तय हुआ कि बिल्कुल वेलकम करो। हमारे अध्यक्ष ने कहा बिल्कुल लो, इनको लेना चाहिए, काम करना चाहिए और एक अच्छा शहर के अंदर में अच्छी लीडरशिप का वातावरण तैयार करना चाहिए। और ये जो सोने वाली और घर में बैठने वाली क़यादत को घर में बिठा दो और लोगों को सामने लाके लोगों के मसाइल पे काम करने वाली टीम को रोड पे लाके खड़ा करो, ताकि लोगों के जिंदगी और मौत का मसला इस वक्त बना हुआ है। ऐसे हालात के अंदर में हमको लोगों के मसलों पर और उनके परेशानियों पे काम करना चाहिए, तो उसके लिए सब समर्थ है और इस नियत से आए कि भाई हमको काम करना है लोगों के बीच में जाके। हमें नहीं लगता कि हमारी पार्टियां कुछ काम कर रही है, तो हमने बोले स्वागत है आपका और आज के आपके सामने हमने उनको प्रवेश दिया, मुबारक है, सब लोग वेलकम करते हैं हमारी पार्टी में। मेरा सवाल ये है, क्या सैयद मतीन की छवि जो है औरंगाबाद शहर में दागदार है? कई केसेस उन पर है, बहुत सारे केसेस अदालत में चल रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी को दागदार छवि से नुकसान नहीं पहुंचेगा आने वाले इलेक्शन में? दागदार लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं, दागदार करने वालों को खुला करने के लिए उनको हमने पार्टी मिलाया है। जिन्होंने झूठे आरोप लगा के जिस तरह से सैयद मतीन को जेलों में डालने का काम किया, बहुत ही जल्दी से इंशाल्लाह तुम्हारे माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे हम, और कैसा डाला गया था विद प्रूफ वो सब लोगों के सामने लाके उन लोगों के पर्दे हम पर्दाफाश करेंगे जिन लोगों ने दागदार बनाने की कोशिश की थी, उनका मुंह काला हम प्रेस के सामने करेंगे। महिला को दाने को तैयार है,
मेरा सवाल और एक है तजी मौलाना आपसे, आप तो बहुत बड़ी भगदड़ गिराने वाले थे यमाइम को औरंगाबाद शहर में, 25 एक नगर सेवक है उनके, सिर्फ आपके पास आए सिर्फ दो। हमारे पास अभी तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला, अभी हमारे पास चार कारपोरेटर आ गए, अज्जू पहलवान, रऊफ अब्दुल रऊफ और ये दो, ये चार कारपोरेटर आए, दो नहीं चार हो गई। और भगदड़ की जो बात तुमने कही, ऐसी बात तो हमने कभी कही नहीं कि भगदड़ डालने वाले, ये आपके लफ्ज है, तुम्हारे लफ्ज मेरे मुंह में मत डालिए आप। हमारे पास तो हमको भगदड़ गिराने की किसी पार्टी को फोड़ने का शौक नहीं है। इन लोगों को जहां इनसिक्योरिटी महसूस हुई, उन्होंने हमको अप्रोच करके हमारे पास आया, हमको भगदड़ डालने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी पार्टी मजबूत है, अल्लाह के फजल से वो अपने पैरों पे खड़ी भी है। कांग्रेस के भी कुछ नगर सेवक आए, आपके साथी है कांग्रेस, देखो कांग्रेस के नगर सेवक हमारे सामने है, वो भी उन्होंने इलेक्शन के अंदर में प्रवेश किया, जो पहलवान ने भी इलेक्शन में प्रवेश किया, अब्दुल रऊफ ने भी इलेक्शन में प्रवेश किया, ये दोनों आपके सामने है भैया, आपको हमने दावत तो नहीं दी आने की। कलीम भाई हमारे आज ही मेरे पास आया और पूरे जोर से उन्होंने कहा कि भाई अपना रिश्ता तो है ही पहले, लेकिन अब हमारे को आपके साथ काम करना। मौलाना ने बुला ने हमको चल के आए, मौलाना का काम देख के आए, मौलाना जो कौम की जो किस्मत कर रहे, कोई भी समाज के हो, चाहे हिंदू रहो या मुस्लिम रहो, मौलाना जो काम कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे नेता को हमने फोन किया, कांग्रेस पार्टी का एक भी नेता सामने आने को तैयार नहीं है, ऐसे टाइम पे साथ नहीं देंगे तो क्या काम की पार्टी है। हम तो हमारे पास से हम सब कुछ कर रहे थे, उनको थोड़ी पैसे मांग रहे थे, हमारा ये बोलना आ रहा था कि भाई जो अभी हालात चल रहे हैं कम से कम बाहर निकल, क्योंकि हालत पूछो जो गोर गरीब है, सिर्फ साथ चल के वार्ड में एंट्री करो क्या है नहीं, तो इन्होंने फोन उठाने को तैयार नहीं है, कुछ पूछने को तैयार नहीं है, करेंगे बोल के नहीं आ रहे। शहर अध्यक्ष को दो बार बोले, तो पहली बात तो हमारे सब में नाराज की शहर अध्यक्ष से, वार्ड पूरे शहर के अंदर उन्हें ऐसी कोई भी जगह पर जाके नहीं देखे कि क्या चल रही है अपनी शहर की हालत है, तो ये पार्टी का है मसला। लॉकडाउन में जो करीम मौलाना ने काम किया, जो मेहनत की रात दिन उन्होंने मेहनत की, इससे क्या प्रभावित हुए और इसलिए प्रवेश किया कि आपने? करीम मौलाना का काम देख के चाहे हम, जो मौलाना का जो चला है ना पूरे शहर के अंदर से, मौलाना जो काम कर रहे वो काम को देख के चाहे, करीम मौलाना ने हमको कुछ बुलाया नहीं, हम कुछ चल के आए उनके पास। आपका नाम? कलीम कुरैशी। जफर भाई, जफर भाई आगे लो हाथ तुम्हारा। जफर भाई आपने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है जी, यमायन के आप रनिंग कारपोरेटर थे, तो क्या नाराजगी थी पार्टी में आपके, और आपको कैसे पसंद आ गई राष्ट्रवादी, या फिर सत्ता है उसके लालच में आप चले गए? देखिए जहाँ तक कि आपका सत्ता की बात है, सत्ता आती रहेंगी जाते रहेंगे, लेकिन हमेशा उस शख्स के साथ में खड़े रहेंगे जो अवाम के मसाइल हल करेगा, अवाम के दुख दर्द में खड़ा रहेगा, और ऐसे वक्त में जो मुसीबत की घड़ी है, ऐसे वक्त में हमें एक चेहरा नजर आया जो कि अब्दुल खदीर मौलाना का था, और उनका काम हमको पसंद आया, इस वजह से हमने जो है तो एनसीपी में आने का इरादा किया, जनाब अब्दुल खदीर मौलाना से रब्ता कायम किया, उनको सारी बातें उनके सामने रखी, उन्होंने हमारा वेलकम किया, और हमने आज जाहिर प्रवेश एनसीपी के अंदर किया है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।